मेरा नाम दिवाकर वासुदेव मातु 1966 में उज्जैन में आया और उज्जैन में आकर मैंने लोकमान्य तिलक विद्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं मैंने अध्यापन कार्य शुरू करा। वहाँ रहते हुए 2 साल में मैंने MSc फिजिक्स में किया, फिर उसके बाद आगे BEd वगैरह चलता रहा। बाद में 1980 के अंदर मैं वहाँ प्राचार्य बना, 2000 तक प्राचार्य का दायित्व संभाला। उसके बाद राजनीति में जाने के कारण मैं 4 साल तक इस कार्य से दूर रहा। मैंने कहा भाई शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति नहीं आना चाहिए, तो मैंने राजनीति को जाने के बाद शिक्षा के क्षेत्र छोड़ दिया। 2005 में मुझे CS मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष का दायित्व मिला, जो मैंने 16 का CS पूरा करने के बाद 2018 में वापस अपने को विड्रॉ कर लिया कि अब कोई संभालेगा। ये सब करने के पीछे या शुरू से भी मेरी ज़िंदगी जो रही है, हम लोग बहुत गरीब परिवार के रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा और गुरुओं का आशीर्वाद ये हमेशा साथ में रहा है। और इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि ईश्वर की कृपा तो अंदर रहेगी तो बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे, इसलिए बड़ों का आशीर्वाद लेने की कोशिश करो। अच्छे काम करोगे तो अपने आप को आशीर्वाद देंगे। जब मैं यहाँ अवंती में आया, कोई तकलीफ शुरू हुई उसके कारण से, तो गवारीकर साहब है, मालिक साहब है और बाकी सब जो है वो मेरे विद्यार्थी रहे प्रकार से, तो देवता के रूप में या इनको मैं देखता हूँ उज्जैन में। तो गवारीकर साहब जो है ईश्वर के रूप में उज्जैन के लोगों की सेवा कर रहे हैं। यहाँ रहने के बाद में क्योंकि साइंस का विद्यार्थी रहे तो ऑब्जर्वेशन रहते ही रहते हैं, तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन मैंने देखा कि यहाँ स्वच्छता भरपूर रहती है। स्वच्छता के साथ में जो नियमित काम होना चाहिए, जैसे पलंग के चादरें बदलना है या मरीजों के कपड़े बदलना है, वो भी बड़ा नियमित और समय के साथ पूरा करते रहते हैं। यहाँ के जो दीदी हैं ये समय पर दवाई देना, हल्का पूछते रहना, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रख के बात करती थी, तो कोई टेंशन नहीं होता था कि किसी को कोई टेंशन होगा, ऐसा नहीं होगा। फिर बाद में यहाँ पर जो भोजन पूजा किया जाता है उसके बारे में पहले भी सुना था मैंने और मैंने खुद अनुभव लिया कि बड़ा स्वादिष्ट रहता है और पोषक रहता है, और जैसा एक पेशेंट को चाहिए उस हिसाब से वो तैयार करके देते हैं। तो एक कुल मिला के ये मेरे ऑब्जर्वेशन से रहने के कारण मुझे लगने लगा कि ये अपना ही अस्पताल है, और इसलिए इसके लिए अपन ईश्वर से प्रार्थना करते रहे। देश को लेकर काम कर रहा है उसमें हमेशा इसको सफलता मिले, और जिस विश्वास के साथ में मरीज आते हैं वो यहाँ से पूरी शक्ति लेकर निकलें, तो अन्य को भी इससे प्रेरणा मिलेगी और सबका भला होगा।